हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 फिजिक्स जो कि एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा में गति। तो उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूरी क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है, स्पीड क्या है, इसके बारे में बात की थी। आज हम बात करना चाहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उनका ग्राफी निरूपण। ग्राफी का मतलब होता है, जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि जैसे आपको कोई क्रिकेट हो रहा है और वहाँ पर आपको विकेट्स दिखाने हैं उनको, या स्कोर दिखाना है, तो लिखने के बजाय वो ग्राफ में दिखा देते हैं। तो ग्राफ में देख करके आपको क्लियर हो जाता है कि आखिर किस प्रकार से रन रेट चल रहा है। तो ये विजुअली आप देख रहे हैं, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑन द ग्राफ। ग्राफ पर दो क्वांटिटीज का एक जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज नोन एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो यहां पर कई प्रकार के ग्राफ होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ समय विस्थापन वक्र, इसको हम XT या ST ग्राफ भी कह सकते हैं। ST ग्राफ, S को रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन के लिए, कहीं कहीं X भी लिखा होता है, और T को हम बात करेंगे टाइम के लिए। देखिए करना क्या यहां पर है, हम अलग अलग कंडीशंस में बॉडी को रखेंगे। कभी उसको रख देंगे, चलने नहीं देंगे, स्थिर कर देंगे, स्टेशनरी कर देंगे, कभी कभी यूनिफॉर्म स्पीड से चलाएंगे, कभी कभी वेरिएबल स्पीड से चलाएंगे, और उन कंडीशंस में हम दिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है और उस ग्राफ से क्या मिलेगा आपको, क्या आपको हासिल होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये हेडिंग को पहले समझ लीजिएगा, इस हेडिंग को हम रब करेंगे। मतलब मुझे ग्राफ में दो चीजें बतानी है, एक तो ग्राफ बनेगा कैसे, और बनेगा तो उस ग्राफ की मदद से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये हमको यहां पर दिखाना है। जैसे पहले कहा गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं, हेडिंग तो वही है पोजीशन टाइम ग्राफ, पहले हम निकालने जा रहे हैं फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि जब वस्तु विराम अवस्था में है। वस्तु कैसी है, वस्तु विराम अवस्था में है, अवस्था में है, तब ग्राफ कैसे बनेगा, जरा समझिएगा। विराम अवस्था दो तरीके से हो सकती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दो तरीके से हो सकता है। मान लीजिए हम खड़े हैं, ये रेफरेंस लाइन है, यहीं से हम दूरी नापना शुरू करते हैं, तो बॉडी यहीं पर रखी हुई है, तो शुरुआत में उसकी हमसे दूरी कितनी है, जीरो। अब वो चल नहीं रही है, एक सेकंड बाद जीरो, दो सेकंड बाद जीरो, तीन सेकंड बाद जीरो, हर टाइम वो जीरो है। एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि हम यहां खड़े हुए हैं, ये रेफरेंस लाइन है, इसी से दूरी नाप रहे हैं, और बॉडी पहले से हमसे 10 मीटर दूर है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका 10 मीटर है, एक सेकेंड बाद 10 मीटर, दो सेकेंड बाद 10 मीटर, तीन सेकेंड बाद 10 मीटर, टाइम हम देखते जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन बॉडी की पोजीशन हमसे 10 मीटर ही है। मतलब क्या है कि बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, दो एक्सिस खींचेंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम इन सेकेंड, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ये डिस्प्लेसमेंट को करेगा, पोजिशन को करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट को आप एस से भी ले सकते हैं और आप एक्स से भी ले सकते हैं, यह डिस्प्लेसमेंट को करेगा, विस्थापन को करेगा। देखिए हम जीरो पोजीशन पे थे, हमने मान लिया कि बॉडी हमसे 2 मीटर दूर है, यानी बॉडी यहां पर है, बस जीरो टाइम, बॉडी 2 मीटर, एक सेकंड बाद 2 मीटर, दो सेकंड बाद, भाई ये एक सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, ये टाइम हो गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड बाद 2 मीटर, 2 सेकंड बाद 2 मीटर, 3 सेकंड बाद 2 मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है,
मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. तो व्हाट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दैट बॉडी इज इन द स्टेशनरी पोजीशन. तो ये ग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का है, इन बॉडी इन द स्टेशनरी पोजीशन, यानी वस्तु विराम अवस्था में है. इससे मिलेगा क्या? इसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको ये भी देखना है ना कि ग्राफ कैसे बनेगा और ग्राफ की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं. भाई जब बॉडी चली नहीं रही है तो उसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, उसका एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं आप? तो देख सकते हैं, उसको देखते रहो. तो ये पहला ग्राफ हो गया, इन बॉडी इज इन ए स्टेशनरी पोजिशन. दूसरा है फॉर यूनिफॉर्म मोशन. दूसरा हम बात करने जा रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन. हेडिंग वही है आपकी, पोजिशन टाइम ग्राफ. उसके आगे लगा देंगे आप सेकेंड कंडीशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान चाल, समान वेग से गतिमान है, समान वेग से गतिमान. अब जरा समझिएगा पहले तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है. हम चलना शुरू करते हैं, एक सेकंड में 2 मीटर चले, मेरी स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड. अगले सेकंड में फिर 2 मीटर चले, हमारी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड. अगले सेकंड मैं एक एक सेकंड का इंटरवल ले रहा हूं, अगले सेकंड फिर 2 मीटर चले, स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड. द बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कैसे ग्राफ बनता है समझिएगा. ये एक्स एक्सिस है, जिसको कि हमने अभी कहा कि ये टाइम एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, जिसको कि हम कहते हैं विस्थापन एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है. देखिए बहुत एक नॉमिनल इंग्लिश वर्ड्स हैं, जिन्हें हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी ध्यान में भी रखेंगे, क्योंकि उनकी जो बड़े क्लासेस की टर्मिनोलॉजी होगी पढ़ने की वो इंग्लिश में होगी. तो थोड़े बहुत वर्ड तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी स्पीड ऐसा आप जानते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश बोलना पड़ेगा. अब जरा देखिए ग्राफ कैसे बनता है. यहाँ एक चीज समझिएगा, हमने अभी क्या कहा कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये रेफरेंस लाइन है, हो सकता है जिस बॉडी को हम कंसीडर करने जा रहे हों वो बॉडी यही रखी हो, इसी लाइन पर रखी हो, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? प्रारंभिक विस्थापन 0 है. एक सेकेंड बाद 2 मीटर, अगले सेकेंड 2 मीटर, ये हो सकता है. ये भी हो सकता है कि बॉडी पहले से हमसे 2 मीटर दूर रखी हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है. तो जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और कुछ हो भी सकता है. हम फिलहाल 0 से बनाएंगे, लेकिन मान लिया कहीं ग्राफ ऐसे बना हो, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, और ग्राफ ऐसे बना दे, तो दिस इज नॉट रॉन्ग, ये सही है. क्योंकि जब टाइम 0 था तो बॉडी हमसे मान लिया एस मीटर दूर है, एस 1 मीटर दूर है, 1 सेकेंड बाद एस 2 मीटर, 2 सेकेंड बाद एस 3 मीटर, 3 सेकेंड बाद एस 4 मीटर, ये हो सकता है. तो इनिशियल पोजीशन ये भी हो सकती है और बॉडी यहां भी हो सकती है. तो मैं यहां से लेके चलूंगा तो ग्राफ कैसे बनता है? चूंकि यहां वैल्यू नहीं रखनी है, वो एक इक्वेशन तो दिया नहीं कि टी को 1 रखूंगा तो एस 5 आएगा. तो टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. हमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. तो ये तो हो गया ग्राफ कैसे बनेगा. अब ग्राफ की मदद से हम निकाल क्या सकते हैं? देखिए यहां पर ये मेन चीज है कि ग्राफ कैसे बनेगा और ग्राफ की मदद से हम निकाल क्या सकते हैं. जरा समझिएगा, इस पाथ पे बॉडी जा रही है, ठीक है. एट एनी टाइम बॉडी कहां पर है? ए पॉइंट पर है. कितने टाइम में है यहां पर? यहां पर टाइम है T1, और डिस्प्लेसमेंट कितना, उसका विस्थापन कितना है? S1. आगे टाइम बढ़े, घड़ी और आगे चली, बॉडी पहुंच गई बी पॉइंट पे पहुंच गई. यहां पर टाइम कितना हो गया? टी टू, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? S2. यानी ए से बी तक जाने में बॉडी T1 से T2 टाइम लगा, और ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट S1 से S2 हो गया. जरा समझिएगा, यहां से यहां तक का ये जो टाइम इंटरवल है वो कितना है? T2 - T1, ये टाइम इंटरवल. और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये यहां से यहां तक, वो कितना है? तो आप कहेंगे ये है S2 - S1, इसका नाम दे दो C. अब जरा समझो,
अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो यह एंगल भी थीटा होगा। अगर मैं ए बी की प्रवणता निकालता हूं, स्लोप ऑफ ए बी, पहले लैंग्वेज लिखेंगे, लेट अ बॉडी इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट पाथ या मूविंग विद अ यूनिफॉर्म मोशन, एक वस्तु समान वेग से गतिमान है, एट एनी टाइम टी वन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज एस वन एंड इट इज एट द पॉइंट ए, एंड एट टाइम टी टू बॉडी इज एट द पॉइंट बी एंड डिस्प्लेसमेंट इज एस टू। हम मान लेंगे कि एट एनी टाइम टी वन, एट टाइम टी वन बॉडी इज एट ए, डिस्प्लेसमेंट एस वन एंड डिस्प्लेसमेंट एस वन, एंड एट टाइम टी टू बॉडी इज एट बी, डिस्प्लेसमेंट एस टू। ये हमने मान लिया। अगर मैं इसका ए बी का स्लोप निकालता हूं, मुझे नहीं मालूम क्या मैं निकाल रहा हूं, मैं स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं ए बी की प्रवणता। स्लोप भी कहते हैं इसको, ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप निकालिए जरा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार, यानी बी सी अपान ए सी। तो ये हो जाएगा बी सी अपान ए सी। बी सी क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन, और ए सी क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन, यानी हो जाएगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। जरा इसको पहचानिए, ये क्या है, पहचान में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम इंटरवल, विस्थापन बटे समयांतराल। व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी। यही वेलोसिटी है। आपने क्या देखा कि जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसमें किसी लाइन का स्लोप निकालने पर आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। मतलब आपको वेलोसिटी निकालने के लिए अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसका स्लोप निकालिए और आपको उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। मैं एक इसमें नोटिंग में एक लगाता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे मैं एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लेता हूं, एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ले रहा हूं, एक नोटिंग लेकर के एक दो पॉइंट बढ़ा दीजिएगा। मैं पहला पॉइंट देखिए, मैं एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लेता हूं, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमने कहा एक बॉडी ए ऐसे जा रही है और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है, और हमने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। तो आप कहेंगे वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए, टाइम इंटरवल चाहिए। आपने ना तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है ना तो टाइम इंटरवल दिया है। अरे भाई, हमने क्या बताया कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में आप स्लोप निकाल लीजिए तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए, दैट इज टेन 30 डिग्री, यानी 1/√3 जो भी इसकी वैल्यू आएगी, दिस इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ये डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं चाहिए। हाँ, दिया है तो अच्छी बात है, तब तो हम निकाल ही लेंगे। अदरवाइज अगर स्लोप दिया है तो विद द हेल्प ऑफ स्लोप आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि जिसका स्लोप जितना ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती, ग्रेटर द स्लोप हैज ग्रेटर द वेलोसिटी। दूसरा एक पॉइंट आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, तो ग्रेटर द स्लोप, ग्रेटर द स्लोप हैज ग्रेटर द वेलोसिटी, ग्रेटर द वेलोसिटी, द जिसकी प्रवणता ज्यादा, ज्यादा प्रवणता की का वेग ज्यादा होता है। कैसे, जरा देखिए, अगर मैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाता हूं, हमने कहा ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब हमने पूछा किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, आपने सोचा भाई ए तो बहुत दूर तक गया है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अरे भाई, इसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी को कौन डिसाइड कर रहा है, वेलोसिटी को स्लोप डिसाइड कर रहा है। और इसकी स्लोप अगर ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, तो बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन
tan थीटा वन, सो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो अगर मैं केवल इस प्रकार से ग्राफ दे देता हूँ और मैं पूछ लेता हूँ या पूछा जा रहा है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब अगर बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, परिवर्ती गति है, मतलब एक सेकेंड में आप 2 मीटर चलें, अगले सेकेंड में 10 मीटर चलें, अगले सेकेंड में 20 मीटर चलें, अगले सेकेंड में बैठ गए, अगले सेकेंड में 2 मीटर चले, तो अगर आप चेंज कर रहे हैं वेलोसिटी तब क्या होगा। अच्छा एक चीज और, यहां वेलोसिटी चूंकि कॉन्स्टेंट बढ़ रही है हर सेकेंड 2 मीटर, तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है, क्योंकि जब समान चाल से आप चलते हैं, आपने अपने गाड़ी का स्पीडोमीटर जो है उसका कांटा आपने 50 पे सेट कर रखा है, तो 50 स्पीड है आपकी, लगातार 50 है, तो आप एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं, एक्सीलेटर नहीं ले रहे हैं, मतलब एक्सीलेटर फिक्स कर रखा है आपने, तो ऐसी बॉडी में एक्सीलरेशन त्वरण नहीं होता है। ठीक है, तो अब तीसरा केस कि अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तब क्या होगा। देखिए अगला केस क्या बता रहा है, तीसरा केस है पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा है पोजिशन टाइम को एस टी भाग दे, एस पोजिशन हो गया, टी टाइम हो गया, एस टी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कैसे गति के बारे में बात कर रहे हैं, असमान या परिवर्ती गति के लिए, असमान या परिवर्ती गति के बारे में बात कर रहे हैं आप। जरा समझिएगा, असमान और परिवर्ती गति में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो एक्सेलरेशन होगा होगा, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, इससे ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बढ़ नहीं रहा है, कभी बढ़ा कभी घटा कभी ज्यादा हुआ, तो ग्राफ कुछ टेढ़ा मेढ़ा आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। अब हमने कहा किसी टाइम बॉडी ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे थी, टाइम क्या था यहां पर t1, डिस्प्लेसमेंट क्या था यहां पर s1, लैंग्वेज वही लिखना है, अभी हम थोड़ी देर पहले लिखा चुके हैं कि एट एनी टाइम बॉडी इज एट द पॉइंट ए, एट टाइम t1 लिख सकते हैं, आफ्टर सम टाइम t2, आफ्टर टाइम t2 बॉडी कहां पर है, बी पॉइंट पे है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पर इसका, डिस्प्लेसमेंट इसका है s2। तो यहां से यहां तक जाने में जरा ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये तो कर्व है, तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम यहां पर हुआ है वो कितना होगा, t2 - t1, और ये हो गया आपका s2 - s1। अब आप कहेंगे श्रीमन ये बताइए कि भाई इसमें आप वही कर रहे हैं जो पहले किया था, जी नहीं, थोड़ा समझिएगा, ये स्लोप आप मान रहे हो, इस लाइन का स्लोप मानो जो स्ट्रेट लाइन में खींची है, ये कर्व की का स्लोप नहीं मान रहे हैं आप, तो यहां जो वेलोसिटी मिलेगी वो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, औसत चाल मिलेगी, क्योंकि आप एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, तो यहां पर मिलेगी कैसी, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि औसत चाल यहां आपको मिलेगी, औसत चाल वी, और यहां पर शॉर्ट में एवी बना दो, एवी इंडिकेट फॉर एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो स्लोप ही मिल रहा है, स्लोप ऑफ एवी, एवी की प्रवणता कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ एवी, यानी कि एवी की प्रवणता। अब अपनी लैंग्वेज चुनिएगा, जो आपकी लैंग्वेज है उसी को चुनिएगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो हिंदी वाले के करना ही पड़ेगा, स्लोप कैसे इसका निकलेगा, बीसी अपान ए सी, टेन थीटा से निकलेगा, बीसी अपान ए सी, बीसी की वैल्यू कितनी है, एस टू माइनस एस वन अपान टी टू माइनस टी वन, तो इस प्रकार से यहां पर एवरेज वेलोसिटी इसकी निकालेंगे, या आप लिख सकते हैं डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। अब यहां पर एक वर्ड आता है ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तत्काल टाइम बताओ। अब हो ये रहा है कि टाइम लगातार चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट लगातार चेंज हो रहा है, कभी हम देखते हैं तो आप 2 मीटर चलते हैं, घड़ी देखा तो आप 4 मीटर चल गए, तो आप टाइम देखें कि आपको देखें,
तो जब भी जब कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होती है तो ये जो समय एक इंटरवल है ना, इसको जीरो मान लेते हैं कि बिल्कुल समय चेंज नहीं हुआ। भाई आप कहते हैं अभी आपकी स्पीड क्या है, हमने आपको देखा, अब घड़ी नहीं देखी, टाइम हमने जीरो कर दिया, दो मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है, तो टाइम को जीरो मानना पड़ेगा। जीरो नहीं, जीरो के इक्वलेंट, लगभग बस जीरो के बराबर, जीरो नहीं, लिमिट यहां पर वर्डी किया गया। तो अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलासिटी निकालनी हो, ये तो एवरेज वेलासिटी निकली है, अगर इसी ग्राफ में हमको इंस्टेंटेनियस वेलासिटी निकालनी हो, तात्क्षणिक, जब भी आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, कोई चीज इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो हर होगा, उसको जीरो लगभग मान लीजिएगा, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलासिटी, तात्क्षणिक वेग कहिए चाल न कहिए, तो अगर v निकालना है, एवरेज नहीं, तो जो आपको डेल्टा s अपॉन डेल्टा t कर रहे हो ना, उसमें समय का जो परिवर्तन है उसको जीरो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम अगर दोनों को लगातार चेंज करते रहोगे तो आप किसको नापोगे, या तो टाइम देख लो या तो डिस्प्लेसमेंट देख लो। जैसे दो चीजें लगातार चेंज हो रही हैं तो एक को आपको रोकना पड़ेगा थोड़ा सा, तब वाली चेंज नजर आएगी। तो इसको जब बहुत स्मॉल चेंज होता है, इसको लिखा जाता है मैथ में ds by dt, आगे आपको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिकल फिजिक्स, हम एक क्लास लेंगे उसमें बताएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि बहुत स्मॉल चेंज होता है उसको डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो ये तात्क्षणिक चेंज है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं लगेंगे, न्यूमेरिकल लगेंगे उसका मेथड दूसरा होगा, फिलहाल आप याद करने के लिए आपके लिए है, आप क्या न्यूमेरिकल इस पर फिलहाल नहीं होंगे। अब एक नोट और देख लीजिए आप, तो ये आपका ग्राफ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति अगर है तो ग्राफ कैसा मिलेगा, और उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी और एवरेज कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि लगातार चेंज हो रहा है तो आपको एवरेज ही वैल्यू निकाल सकते हैं आप। एक नोट और देखिए यहां पर, देखो ध्यान से, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगला नोट है, इफ द बॉडी हैज निगेटिव मोशन, इफ द बॉडी हैज निगेटिव मोशन, मतलब ऋणात्मक चाल किसी बॉडी की है, ऋणात्मक वेग किसी बॉडी में, इसका मतलब क्या होता है, यानी बैक साइड में आप वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी अगर इनिशियल पोजिशन की तरफ लौट रही है, प्रारंभिक जो बिंदु है उसकी तरफ लौट रही है, तो बॉडी की वेलोसिटी निगेटिव होगी, यानी इफ द बॉडी इज रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स द इनिशियल पोजिशन, आप लिख सकते हैं कि इफ द बॉडी इज रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स इनिशियल पोजिशन then it has negative velocity। ये तो आपको लैंग्वेज से समझ में आएगा, अब आप मैथमेटिकली कैसे जानेंगे ग्राफ से कि निगेटिव चाल है, जरा समझिएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी बॉडी का जो स्लोप होता है टेन थीटा, वो वेलासिटी देता है। आप जानते हैं थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में रखते हैं, प्रथम चतुर्थांश होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो वहां टेन पॉजिटिव होता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाती है, 90 से 180 के बीच में आ जाती है, तो टेन निगेटिव हो जाता है। यानी अगर पहली चीज, अगर थीटा 90 से छोटा है तो जो टेन थीटा होगा ना v, वो पॉजिटिव होगा, यानी बॉडी इनिशियल पोजिशन से दूर जा रही है। और दूसरी बात है, और इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें ग्राफ ऐसा होगा, ये डिस्प्लेस टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ग्राफ बनेगा बॉडी ऐसे, ये थीटा होगा। और दूसरा केस है, अगर थीटा 90 से बड़ा है तब ग्राफ कैसे बनेगा, दूसरा केस है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90,
तो जो आपका स्लोप निकलेगा m, इसको m भी कहते हैं, जो कि आपको वेलोसिटी देता है वो tan थीटा होगा और वो कैसा आएगा, निगेटिव, यानी वेलोसिटी निगेटिव हो रही है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ये टाइम ये डिस्प्लेसमेंट, बॉडी ऐसे वापस लौट के आ रही है। जरा समझिएगा, जब जीरो टाइम था तो बॉडी का मान लिया 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, एक सेकेंड बाद 10 से कम हुआ, मान लिया 9 हो गया, ये एक सेकेंड बाद, दो सेकेंड बाद और कम हुआ, मान लिया 8 हो गया, तीन, ये दो सेकेंड हो गया, तीन सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, 7 हो गया, चार सेकेंड बाद और कम हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। ये इनिशियल लाइन है, बॉडी पहले 10 मीटर थी, एक सेकेंड बाद 9 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 6 मीटर, मतलब क्या हुआ, बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजिशन। तो ये कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, जब बॉडी स्टेशनरी हो तब, जब बॉडी मोशन में हो तब, मोशन में हो तो यूनिफॉर्म हो तब, नॉन यूनिफॉर्म हो तब, वेरिएबल हो तब, तो कैसे इसको बनाते हैं और उसकी मदद से क्या क्या हम निकालते हैं। इसके बाद हम बात की जाएगी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक इसको करिएगा। ओके, थैंक यू।